मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो कि दमोह के प्रभारी मंत्री भी हैं, का प्रथम नगर आगमन हुआ। उन्होंने संयुक्त कलेक्टर भवन के सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक ली, विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की, दिशा निर्देश दिए और कहा कि सरकार जन के लिए कार्य कर रही है। वह लगातार यह बात कह रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है और प्रत्येक पात्र हितग्राही को योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए अधिकारी ध्यान दें। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि किसी भी प्रकार से जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको छोड़ा ना जाए, अच्छा कार्य करने वालों को प्रोत्साहित भी करें। आइए हम आपको दिखलाते हैं बैठक के दौरान क्या कहा प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने। मैंने अभी 2 तारीख से पहली बार मध्य प्रदेश में शुरू किया और मैं भी 2 स्कूल में मैं स्वयं गया था। एक स्कूल में तो कम थे, पेरेंट आधे थे, लेकिन एक दूसरे स्कूल में जब मैं गया आनंद नगर भोपाल में, तो पूरा हाल मतलब सारे जो उनके पेरेंट्स थे, उनके माता पिता बच्चों के, इतने खुश थे कि नहीं हमको एक जानकारी दी गई और हमको पूछा जा रहा है। ये मैं भी एक चीज, ये दूसरी चीज, हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो निरीक्षण होता था, जो हमारे ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी शिक्षा विभाग के थे, वो जब जाएंगे स्कूलों में तो वो ये चेक करेंगे वो के जो कापियां जिसमें होमवर्क बच्चों को दिया गया है उनकी ठीक से जांच हो रही है, उनका उसकी मान लो उसका होमवर्क को जांचा है कि नहीं जांचा, और जांचा है तो उसको ठीक करा है कि नहीं करा है। ये नहीं कि शिक्षक उपस्थित है, इतने अकेले से निरीक्षण हो गया। निरीक्षण करने आप जा रहे हैं तो आप बच्चों की बुक्स भी देखिए, उनकी कापियां भी देखिए, जिससे ये पता लगेगा कि कितनी उपस्थिति आ रही है कितनी नहीं आ रही, जिससे कि गुणवत्ता में ठीक से, जो आपका कहना है कि जहां ग्रामीण अंचलों में कई जगहों पर ऐसा होता है कि शिक्षक नहीं पहुंच पाते या देर से पहुंच रहे हैं या कोई दूसरे कारण है, तो इसको एक तो पेरेंट्स जब पहुंचेंगे उनको भी पता लगेगा कि हम अब ये हर महीने ये मीटिंग हमने पूरे MP में ये चालू कर दी है, जिससे परिवार के माता पिता को भी बच्चे की स्थिति, अभी सिर्फ प्राइवेट के स्कूल वाले लोग ही ये करते थे, हमने सरकार के सभी स्कूलों में ये किया है। समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।